सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दबाव में वो बाल सुधार गए या और दूसरे प्रोजेक्ट के लिए बिल्डिंग बनी बुनाई उनको अलॉटमेंट कर देते हैं, तो इस पे भी हमारे को चेक करना पड़ेगा। आप उसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल सकते हैं ना, आपका कोर्ट में जो भी हाई कोर्ट वहाँ का वहाँ पे एक PIL डालिए कि इमीडिएट उसके लिए जो भी रेमेडी चाहिए उसके लिए तुरंत आप PIL डालिए। एक तो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और स्टेट लेवल पे वो मामला सरकार के साथ उठा दिया है और अभी अंडर प्रोसीजर वो मामला चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक है, अब ऐसे ही गिव पब्लिसिटी, गिव गो टू कोर्ट वेदर यू गेट रेमेडी और नॉट, गिव पब्लिसिटी। सेकंड मेरा निवेदन ये है कि ये जो अपना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं डीवी एक्ट पे, इसको हिंदी और इंग्लिश में द्विभाषी संस्करण हमारे को प्रकाशित करना चाहिए हर 3 महीने के अंदर अंदर। तीन तो कर सकते हैं, आपको आप कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि 3-3 महीने में यदि हमको हिंदी इंग्लिश का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट, इंग्लिश और सब लैंग्वेज, हमारा देश में इतना सारा लैंग्वेज है सबका हम लोग ट्रांसलेट करके सबको देंगे तो बहुत अच्छा पड़ेगा। एक मेरा सुझाव ये था कि सोशल अवेयरनेस के अंदर हम लोग आंगनबाड़ी वर्कर्स और NY के नेहरू युवा केंद्र के कार्यकर्ता और सर्व शिक्षा अभियान के जो कार्यकर्ता हैं उनको सबको इन्वॉल्व करते हुए हम 60% का हर ब्लॉक पे यदि मंथली ट्रेनिंग करें तो हमारे को बहुत बड़ा एक ट्रेंड वर्कर्स की अच्छी खेप मिल सकती है। और इसमें जितना भी गर्ल्स हायर सेकेंडरी है पंचायत समिति मुख्यालय पे ब्लॉक पे उसको भी हम इन्वॉल्व करें तो 20 लड़कियां उसमें से भी मिल सकती है। 60+20 इसका मतलब 80 स्टूडेंट्स को हर महीना सोशल एक्टिविस्ट को हम इसमें इन्वॉल्व करते हुए तैयार करेंगे तो साल भर में 10 ट्रेनिंग भी होती तो 80+10 तो हम इस तरीके से इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ये मेरा सुझाव है। तो यू आर नोटिंग डाउन, नो समबडी इज नोटिंग डाउन ऑल दिस। देखिए अभी हम लोग ये सक्सेस ऑफ दिस हाउ डू वी गो अहेड विद हैविंग विमेन्स राइट्स लाइक प्रॉपर्टी राइट्स है। Like morning we were discussing about property rights. How do you get this into substantive right? खाली ये जो temporary residence rights है, property rights out, question of right not as a victim, contribution to the family को कैसे हम देख सकते हैं या insist some changes in law regarding common property, इस बात के लिए आप लोग का क्या ideas है वो बताना। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि डीवी एक्ट को सुचारू रूप से कारगर करने के लिए हमें या तो स्पेशल कोर्ट रखने चाहिए या तो फास्ट ट्रैक कोर्ट रखने चाहिए जिसके तहत डीवी एक्ट के जो मुकदमे हैं वो हल कर सके। और दूसरा मेरा सजेशन है कि 60 दिन के अंदर ये फैसले डीवी एक्ट के अंदर जो है वो होने चाहिए। उसके लिए या तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट सेशन हाई कोर्ट के जजेस मैजिस्ट्रेट को एक कमिटी बना सकते हैं और उसके अंदर जो भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में कितने मुकदमे आए हैं किनका ये निपटारा हुआ है और उसके बारे में ये एक कमिटी या तो स्टेट गवर्नमेंट बनाए या तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए और इसके लिए उससे वो ये हो सकता है। और भी मैं या तो स्कूल कॉलेजेस में सिलेबस होना चाहिए विमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का और स्पेशली डीवी एक्ट उसमें इंक्लूड होना चाहिए। और मास मीडिया में वो पहले भी सुझाव आ चुका है उसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए रेडियो टेलीविजन उसमें उसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए। मेरा सुझाव ये है कि निगेटिव एस्पेक्ट पर हम लोग बहुत ज्यादा चर्चा किए हैं। इस एक्ट में काफी जिम्मेदारी सरकार पर भी डाली गई है कि वो प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त करेंगे, सर्विस प्रोवाइडर नियुक्त करेंगे, टाइम टू टाइम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे। अभी अभी पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट श्रुति सिंह ने एक PIL फाइल की और उसमें पटना स्टेट गवर्नमेंट को जो हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क डायरेक्शन दिए करीब 10 डायरेक्शंस दिए। तो
जहाँ जहाँ हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम जिन स्टेट्स में, वहाँ हम उसका पूरा सर्वे करा करके उन्हीं पॉइंट को हिट करते हुए हम एक ऐसे डायरेक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम वाले वहाँ कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये डॉक्टर्स, पुलिस स्टेशन के एसओज और कोर्ट, हम ये मान के चले कि वो साहब हर जगह निगेटिव रवैया है, हमको इसी टूल से काम लेना है। अब एडवोकेट को ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग हाकिम मिजाज जी से काम लें। कहीं कहीं जहाँ तक सर्विस की बात आई, सर्विस ऑफ नोटिसेस की, वहाँ पे रूल 12 को लोग देखते नहीं है। सीपीसी का भी प्रोसीजर उसमें है, सीआरपीसी का भी प्रोसीजर फॉर सर्विस ऑफ संबंध पे है। आप कुछ भी एप्लीकेशन देके कोई प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं। इतनी फैसिलिटी के बाद इतना अच्छे प्रोविजंस वाला ये एक्ट, और वो अगर आप हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो एक बहुत बड़ी बात है। मैं इसी तरह अपने साथी सोशल एक्टिविस्ट से और एडवोकेट से कहूंगा कि हमको इस एक्ट बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। जाना कि ये है आपके लिए कानून, वो डीवी एक्ट हो, लड़कियों के उनके पिताजी के प्रॉपर्टी में का जो अधिकार हो, वो दहेज के द्वारा या शादी के समय में उसके पल्ले डाल करके उसको मुक्त कर दिया जाता है। और फिर वो जब आती है अपने पति के घर में, ससुराल में आती है, तो वहां पर भी उसको जब ऐसे मौके आते हैं उसे उसको कैसे लगाना चाहिए वो मैं बोलना चाहती हूँ कि शादी के जब शादी होती है उसके उस समय से हमें ऐसा कहना चाहिए, ऐसा कानून बनाने की जरूरत है कि वो जो प्रॉपर्टी है उसमें वो भी एक हिस्सेदार है, ऐसे बना लेना चाहिए। ये उसमें सबसे बड़ी बात जोड़नी है। अभी से हमें डालना होगा ना कि ऐसा होना चाहिए, बन जाएगा तो देखा जाएगा, हमें अभी से डालना चाहिए ऐसा मैं बोल रही, हमें उसमें शुरुआत करनी चाहिए। I would like to thank the national consultation of this meeting, the organizers, and all those high thinkers who have come here and the lawmakers. I really would like to see two things for my seat again. I would like to agree to my brother who just mentioned about domestic violence to be implemented in academic institutions. I really would like to appreciate it because it's very, for people like my state, women are not supposed to speak, you know, like with aggressiveness or we hate women to be manipulating in overall decision making. So like if such subjects comes in academic subject, then automatically the children will start, you know, they will be able to start learning from the young age, and it will be very much applicable when they grow older. And maybe if we die one day, they will be able to come up like you all, you know, who are sitting here and, you know, speaking your rights. And yeah. And the other thing is that I want to go home, you know, like with one answer from you all. Everybody is saying like we really are with you in spirit, we support you, they say like that, but literally I want you all to help us in implementing the women empowerment in our state, because the now the bureaucrats, women's bill, women's
reservation bill, because like now the bureaucrats doesn't want to speak to us, especially the social activists and for those Nagawi working for their women hohos, because like they are scared because of their supporters. They don't want this to be implemented, especially the men floor. So if the bureaucrat initiates with us, then the status of political, you know, influence will be bad in the future election. Because of this reason, they are not coming forward. So today I want to take an answer from all of you. Will you help me? Yes or not? I don't know how to say, let's see, I don't know. I say yes or not, black and white. But thank you. Loud enough. E-group, I want you to give me your email address. Let us have an e-group and exchange ideas. And it's not a one-day thing. Yes, this yes. whole thing is struggle for power or struggle to get property. It's not, can't be given. They won't give it to us just like that. Yes, it's a long struggle. Maybe not this generation. Maybe after two generations we will get. Yes. So, but we will form an e-group and go towards that. Yes. We have to go towards justice and equity. It can't be tomorrow, definitely. Yes, that's true. But one person has to initiate, you know. But so you initiate, you are, we found that you are very, very, you know, we were all impressed, ask everybody. So we want you to be the leader. We want somebody like you to initiate, lead us. Thank you. Shall we conclude? My question about the section 31, the breach of the protection order. There is a, for a breach of protection order, imprisonment is 1 year or with 20,000 rupees fine or with both. Okay, what is the consequences if he sent the inside to the jail? So whatever the residential order of the aggrieved person, so there is a, only 20,000 rupees is a fine. So what about the others arrears? Even you, Prasanna Kumar, you see in 125, you see in maintenance, in CPC, in family court, wherever you see, then you will, the thing is that we think that the husband before going to jail will change his mind and give all the arrears or whatever. That's what we are, that's the plan. It's not that, you know, you really, if you, that's how it works. The imprisonment is given, protection order. I want to tell you, in one case, everybody is talking negatively. So we had good cases, we had bad cases. I want to tell one bad case where the husband slapped the woman right in front of the judge. Interim order for protection was there. The judge was looking. That's it. That's it. Nothing happened to the man. No police arrested. Police was standing there. And it is not even a wife. She is a second wife. The first wife is living, and he says in the magistrate, in the witness stand, he says, "Haan, mera ek bibi hai. Nango dhenti dalai. I will look after both of them nicely. You tell her, advise her to come and live with me." And the magistrate is keeping quiet.